अगर इसमें जान जाती है किसी की तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए मैं आपको साफ बता दूं, इसमें जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लोग इस डैम से अपने बच्चों को दूर रखिए, ये बहुत खतरनाक डैम है। कोविड हॉस्पिटल पे आ रहे त्रिवट सुमैया जी और सावकरी जी, कहीं डैम के नहीं आ रहे, अच्छी बात है, लेकिन पेट्रोल के लिए कब आएंगे आप? मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद हैं हम खड़ी मशीन के स्थित जो डैम है, यहाँ पर हम मौजूद हैं और आपको दिखा दें कि इस डैम में अब तक जो है दर्जनों मौतों से ज़्यादा हो चुकी है। इस डैम को बनाया गया था मुमरा कौसा के लिए, ताकि मुमरा कौसा के जो लोग हैं उनको पानी मिल सके, लेकिन उन्हें इस डैम से पानी तो नहीं मिल सका, लेकिन मुमरा शहर के कई नौजवान इस डैम में अपनी जान गंवा चुके हैं। अमृतनगर दरगाह के पास के एक 17 साल के लड़के की इसी डैम में डूबकर मौत हो गई थी, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में भी काफ़ी हलचल हुई। विपक्षी पार्टी के नेता यहां का दौरा किए और युवक की मौत पर अफसोस जताए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि राजनीतिक पार्टियों की नींद तब खुलती है जब किसी की मौत हो जाती है। क्या मौत होने के पहले राजनीतिक पार्टियां ये ऐसी चीज़ों पर संज्ञान नहीं ले सकती? जिस तरह से इस डैम को कांटों वाले तार से घेरा गया था कि इसमें कोई भी जा ना सके, लेकिन उसके बावजूद इस तार को तोड़कर यहां से और इसमें नहाने के लिए लोग जाते थे, जिसकी वजह से यहाँ पर हादसा हुआ है। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है एनसीपी के नगर सेवक शानू पठान, हम उन्हीं से बात करते हैं कि इस डैम को आखिर पानी देने के लिए मुमरा शहर में पानी पहुंचाने के मकसद से बनाया गया था, लेकिन जब इस डैम का पानी मुमरा शहर के लोगों के लिए काम नहीं आ रहा है तो आखिर इस डैम को रखा क्यों गया है? देखिए पहले मैं आपको एक बात के स्पष्टीकरण कर दूँ साफ कि इस डैम का पानी नलों से नहीं दिया जाएगा। ये डैम को बनाया गया था जोशी मैडम के थ्रू, पास किया था माननीय जितेंद्र रावत साहब, मैं और हमारे शमीम भाई लोग और सभी नगर सेवक की मांगनी थी और हम लोग गए थे, लेकिन ख़ास तौर से मैंने इस पर बहुत फॉलोअप किया, रावत साहब ने के कहने पे कलेक्टर मैडम ने इसको सेंक्शन की थी। उसका कारण क्या था, यहाँ से आज़ाद नगर है और आज़ाद नगर के अंदर कई सारे लोग बस्ती है, कई हज़ार लोगों की बस्ती है और उधर नल का पानी चढ़ान होने की वजह से कम आता है, स्लो प्रेशर में आता है और उसके आजू बाजू बस्ती में बोरिंग का पानी भी नहीं आता था। इस डैम के बनाने से लगभग वहाँ का जो बोरिंग का पानी है 50 फुट में लग जाता है और आज वो बोरिंग कम 6 बोरिंग है वहाँ पे उस परिसर में पूरी इलाके में, जिससे काफ़ी हद तक वहाँ के ज़रूरतमंद लोगों को पानी मिल रहा है। जैसे नल का पानी अगर आधा घंटा मिलता है तो बाकी 24 घंटा वो बोरिंग का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। इस डैम की वजह से जो बोरिंग का स्थल नीचे जाता है वो कहीं ना कहीं ऊपर होता है और साल के 12 महीने गर्मी में भी वहाँ पे लोगों को पानी मिल रहा है। क्या इस डैम के ज़रिए से पानी मिल? हाँ, आप टेक्निकल आप डिटेल लिखा लिए कि जहाँ डैम होता है उसके आजू बाजू परिसर में जो बोरिंग का पानी है वो बहुत कम स्तर पर रखता है, और जहाँ डैम नहीं है और जहाँ पानी की दिक्कत है उसके अंदर बोरिंग का पानी हमारे यहाँ 200-300 फुट पर भी बोरिंग में नहीं है। ये हमारी परिस्थिति है गर्मी में। अच्छा, तो फिर इस डैम को तोड़ा क्यों गया था? इस बीच में तोड़ा गया, उसके बाद फिर नीति आई, फिर इसे बनाया गया। दो साल पहले जब लोगों की डेथ होने लगी और तो हम लोग ने यहाँ पे खड्डा खुदवा पूरा कि लोग ना आ पाए, उसके बावजूद भी लोग आए। उसके बाद हमने फॉलो करके इसको 59-60 लाख का ये पूरा वॉल और तार बना, ये खाली तार नहीं है, ये बाकायदा वॉल बना गया RCC, लोग ना जाए। उसके बाद हमारे जहूर भाई यहाँ पे दरगाह संभालते, उनके भी पूरे 24 हम ज़्यादातर लोग यहाँ पे हमेशा रहते हैं, लोगों को मना करने के लिए, ताइद करने के लिए कि भाई आप यहाँ नहीं आए, लेकिन कुछ लोग बच्चे शरारत करके तार को काट के बाउंड्री तोड़ के अंदर घुस जाते। आप ये बताइए लोनावाला में डैम में, करजत में डैम में, तो क्या वो डैम बंद कर दिया जाए? लोग वहाँ पर मज़े करते, लुत्फ़ उठाते, लेकिन सिक्योरिटी करके वहाँ भी हादसे होते। मैं आपके ज़रिए मुमरा कौसा की आवाम से गुजारिश करना चाहूँगा कि यहाँ पे सिक्योरिटी के सारे इंतज़ाम है, यहाँ पे वॉल है, तार बांधा गया है, यहाँ पे हमारे जहूर भाई है दिन भर ज़्यादातर टाइम यहाँ पे लोगों को ताइद करते हैं या ना आए। यहाँ पे बोर्ड लगाए थे हमने, वो बोर्ड बच्चों ने लोगों ने आके तोड़ के फेंक दिए सूचना के लिए। तो पिछले साल यहाँ पर जो है दो गार्ड तैनात किए गए थे,
इस साल गार्ड नहीं है, ऐसी जानकारी आ रही कि शायद उन्हें पगार वगैरह नहीं दी गई जिसके बाद वो लोग छोड़ दिए उसको। तो इस बार क्यों नहीं गार्ड है आखिर? इससे पहले साल में वॉल नहीं था, तार की बाउंड्री नहीं थी। जब भी वॉल और तार की बाउंड्री नहीं थी तो लोग बच्चे लोग कूद जाते थे, अब वॉल और तार की बाउंड्री है इसीलिए अभी भी तो लोग जा रहे हैं ना। तो यही मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि हमारी हमारी भी कमियाँ हैं, हम हमारे बच्चों को हम हमारे लोगों को ये समझाना चाहिए कि जब वहाँ पे लिखा है कि वहाँ फॉरेस्ट का बोर्ड लगा है, हमारा बोर्ड लगा है कि यहाँ पे जाने से, देखिए ये आपको बता दूँ ये ज़्यादा गहरा नहीं है, मेन इसमें प्रॉब्लम है कि यहाँ पे कीचड़ है, कीचड़ की वजह से बच्चे अंदर घुस जाते हैं और अटक जाते हैं। लोग सोचते हैं स्विमिंग करने वाले लोग यहाँ पे पैर कर लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात दिक्कत की यहाँ पे कीचड़ है और कीचड़ की वजह से लोग धंस जाते और अटक जाते, स्विमर लोगों को भी दिक्कत हो रही है। मेरी मुमरा कौसा की आवाम से गुजारिश है कि आप पहली बात तो आप यहाँ आए नहीं, और आए तो डैम से दूर रखें, जहाँ पे लोग हैं वहाँ पे थोड़ा सा पिकनिक मनाएं, वहाँ पे लोग नीचे है वहाँ नीचे जाएं, वहाँ नीचे जाके अपना थोड़े से टाइम पास करिए, थोड़ा सा मज़े करिए, पिकनिक मनाइए और डैम के नज़दीक ना आइए। और दूसरी बात रही राजनीतिक दलों की, तो मैं आपके माध्यम से साफ कहना चाहता हूँ कि बीजेपी के कुछ लोग भी आए थे और निरंजन डावकरे जी भी आए थे, तो मेरे उनसे सवाल है कि आप अच्छा हुआ आप आए, देर से आए दुरुस्त आए, लेकिन बाकी सारे मुद्दों पे भी आप मुमरा के नहीं आइए और थाना के नहीं आइए और महाराष्ट्र के नहीं आइए। आप ये सब चीज़ों पे तो आ रहे, कहीं कोविड हॉस्पिटल पे आ रहे किरीट सुमैया जी और डावकरे जी, कहीं डैम के नहीं आ रहे, अच्छी बात है, लेकिन पेट्रोल के नहीं कब आएंगे आप, डीजल के लिए कम आएंगे, डीजल के जो दाम बढ़ गए, लोग हथगाड़ियों पे जाना पसंद कर रहे हैं, साइकिलों पे, डीजल गाड़ियों पे नहीं, पेट्रोल के लिए कब आएंगे, गैस के बाटले पे कब आएंगे, जो जिसकी आंदोलन करके आपकी सरकार सेंटर में आई है और महाराष्ट्र में भी आई थी, तो इसके लिए भी आपने वादा किए थे, उनके लिए भी आप साथ में आइए। जो मुद्दे हैं वो सभी मुद्दों पर राजनीतिक पार्टी को आना चाहिए, खाली बेसिक उसी मुद्दे पर नहीं आना चाहिए कि ये पार्टी को टारगेट कैसे किया जाए, वो पार्टी को टारगेट किया जाए, मुद्दों पर आना चाहिए। आवाम के जो मुद्दे समस्या है, महंगाई से लेके डैम से लेके कोविड के क्वेश्चन से ये सारे मुद्दे, तो मेरी उनसे विनती है कि एक आंदोलन पेट्रोल और डीजल पे भी करिए जिसमें हम सब आए। जिस तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की मांग की जा रही है, तो यहाँ पर आखिर कब तक सिक्योरिटी गार्ड जो है तैनात किया जाएगा? देखिए यहाँ पे सुविधा के जो टेक्निकल और जो लोगों को नहीं जाना चाहिए वो सारी सुविधा यहाँ डेंजरस के लिए, यहाँ वॉल तार सब इंतजाम किए है, कांटे की तार लगी है, वॉल लगा है, लेकिन उसके बावजूद लोग जा रहे हैं, तो इन्हें रोकने के लिए आखिर सुरक्षा गार्ड यहाँ पर क्या मुहैया होगी या नहीं? लेकिन मैं और शमीम भाई से बात भी की हुई है, हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और महानगर पालिका से कुछ भी करके यहाँ पे सिक्योरिटी का बंदोबस्त की मांग नहीं करेंगे, और ऐसा कोशिश करेंगे कि बारिश के महीने में, कम से कम बारिश के 4 महीने में यहाँ सिक्योरिटी रहे, इसके लिए हम मांग नहीं करेंगे। अगर इसमें जान जाती है किसी की तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए मैं आपको साफ बता दूँ, इसमें जिम्मेदारी कौन लेगा? आप समझिए ये फॉरेस्ट जोन है, यहाँ पे ये डैम, ये वॉल और तार के लिए भी कई साल लगे सेंक्शन कराने और ये बनाया गया, ये नॉर्मल जोन नहीं है, महानगर पालिका के क्षेत्र में आए और हम लोग जाके महापालिका की सिक्योरिटी बिठा दे, ये फॉरेस्ट जोन, इसकी एक अलग फॉरेस्ट का कानून ही अलग है, इसकी प्रक्रिया करना पड़ेगी, और इसके लिए हम लोग तुरंत डैम के लिए, डैम के अंदर सिक्योरिटी बैठना चाहिए 3 से 4 महीना, ये हम तुरंत मांगनी कर चुके हैं और इसको अमल के लिए तुरंत हम तुरंत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जाके इसकी अमल के लिए करेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ महीने की बारिश के 4 महीने यहाँ सिक्योरिटी दे। अच्छा, जैसे मुमरा शहर के जो तमाम लोग हैं, महिलाएं हैं और जैसे माता पिता हो गए, बच्चों को साथ में लेके आते हैं, वो बच्चे इस डैम में नहाते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? मेरी मुमरा कौसा की आवाम से, बुज़ुर्गों से, रहवासियों से गुजारिश है कि आप ये बात दो चीज़ ध्यान रखिए कि आपके बच्चों को स्विमिंग आती है तो इसमें तैर लेंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखिए, ये बात बहुत ही आपके लिए खतरनाक है, ये डैम जिनको स्विमिंग नहीं आती उनको तो ले डूबेगा ही, लेकिन जिनको स्विमिंग आती है इसमें कम से कम 18 फुट कीचड़ है, ये ऊपर पानी दिख रहा है, ये पानी नहीं है, ये खूबसूरती है खाली, ये कीचड़ है अंदर से, जैसे ही आप कोई यहाँ जाएगा तो कीचड़ उसको दबोच लेगी और उसके हाथ पांव नहीं चलेंगे, तो स्विमिंग उसके कितने भी काम की स्विमिंग है वो स्विमिंग फ़ायदे की नहीं है, इसीलिए मेरे शहर के मेरी माँ बहनों से गुजारिश है कि बहुत बच्चों की जान ले चुका है और हम सिक्योरिटी भी लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका भी एक हमारा भी एक शहर का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कुछ फ़र्ज बनता है, आप लोग इस डैम से अपने बच्चों को दूर रखिए, ये बहुत खतरनाक डैम है, और नादान नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि आपकी जान बहुत कीमती है आपके माँ बाप के लिए,
इस शहर के लिए, देश के लिए। आप अपनी जान को ऐसे ही ज़ाया ना करें, इस डैम से दूर रहे। आते हैं तो नीचे झरने पे कभी आए अपने बड़े लोगों के साथ, मैंने तो बोलना है कि वहाँ भी ना आए, लेकिन अगर पिकनिक का शौक़ है तो डैम से दूर नीचे है, लोग अपना वहाँ पिकनिक करें। इस डैम से, मौत के डैम से बहुत दूर रहिए। आप होने वाले वक्त में हम सिक्योरिटी की मांगनी करके इधर सिक्योरिटी अनंत करेंगे, इसका मैं आपसे भरोसा करता हूँ कि इसकी मांगनी हम बहुत जल्द करें। इस डैम के पास ही एक दरगाह है और उस दरगाह में जो यहाँ के जहूर नाम है वो यहाँ पर रहते हैं। हालांकि कई ऐसे लोगों की मौत हो चुकी है जिनको ये यहाँ पर डैम से बाहर भी निकाल चुके हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं कि मना करने पर क्या लोग कहते हैं आपसे, जब यहाँ पर नहाते हैं आप लोग अक्सर मना करते हैं उन लोगों को कि इस डैम में मत नहाइए, खतरे से खाली नहीं है, तो क्या जवाब देते हैं वो लोग आपको? अस्सलाम वालेकुम। जवाब देते हैं, हम लोग मच्छी पकड़ने आते हैं, ये पकड़ने आते हैं, पर हम लोग मना करते हैं, मच्छी पकड़ने का डैम नहीं, बहुत डेंजर है, इसके अंदर सब अंदर दलदल है। अभी माशाल्लाह सब शानू भाई लोग ने बहुत मेहनत करके सब तार वीर बांधे हुए, फिर भी लोग ऐसे मुमरा है, आपको मालूम है। अभी लोग दलदल है, इसमें जाना मना है, सख्त मना है जाने के लिए, फिर भी लोग जा रहे हैं। यार कितने सालों से बात चालू है, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी माशाल्लाह हम लोगों ने कुछ मांगनी किए थे, सब लोग किए, तो शानू भाई को आज बुलाए थे, तो माशाल्लाह आज की तारीख में मुमरा में अगर किसी को बुलाओ तो कोई आता है जाता है, वो तो बात की बात बाद में, अपन शानू भाई माशाल्लाह आते, तो हम लोग ने भी दरगाह कमेटी ने आज हम लोग ने बुलाए थे कि शानू भाई आओ, और माशाल्लाह उनकी नज़र भी यहाँ पे, हम लोगों ने खास करके बुलाए थे सिक्योरिटी के लिए, बोले मांगनी हुई हम लोग करते, और हम लोग भी नज़र रख रहे हैं। पूरा दिन यहीं पर रहते हैं? मैं पूरा दिन सुबह 9 बजे से यहीं देख रहे दरगाह की करता था, अभी माशाल्लाह देख रहा हूँ थोड़ा यहाँ खिदमत खल्क भी लगना चाहिए, तो इसके लिए हमारी पूरी फ़कीर शाह बाबा कमेटी पूरी दिन रात यहाँ पे लगी हुई है काम से। हम लोग और लोगों को मना नहीं करते, सिर्फ ये डैम के वजह से हम लोग मना करते, बाकी जो काम है वो प्रशासन का, उसमें हम लोग झगड़े लफड़े करने नहीं जाते, प्यार मोहब्बत में समझाते, इसमें मत जाओ, बस इतनी हमारी बात है। अस्सलाम वालेकुम। तो आपने सुना कि जिस तरह से ये नगर सेवक शानू पठान थे, इन्होंने बताया कि जो है यहाँ पर अब सिक्योरिटी की जो है ये मांग करेंगे, और आपको दिखा दें कि यहाँ पर जिस तरह से महिलाएं बच्चे इसी तरह से आकर जो है यहाँ के मुंब्रा शहर के लोग नहाते हैं, और ये जो डैम है इस डैम में भी कुछ लोग नहाते हैं, और नहाने की वजह से जो है यहाँ पर हादसे भी हो गए और मौत भी इस डैम में अब तक दर्जनों से ज़्यादा हो चुके हैं। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर जो चेतावनी बोर्ड भी लगाई गई है, एक बोर्ड डैम के उस तरफ है और एक बोर्ड डैम के इस तरफ था, लेकिन कुछ लोगों ने इस बोर्ड को तोड़ दिया है। हालांकि यहां पर चेतावनी सख्त दी गई है कि इस डैम में नहाना अलाउड नहीं है, जान जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद जो लोग हैं वो नहाने से बाज नहीं आते हैं, और इस डैम में नहाने के वक्त जो है उन हादसों में उनकी मौत हो जाती है। एक बात और आपको बता दें कि मुंब्रा शहर के जो लोग हैं वो अगर अपने बच्चों के साथ यहाँ खड़ी मशीन डैम के पास घूमने के लिए आते हैं, तो ये जो आप पीछे डैम देख रहे हैं, इस डैम में किसी भी अपने बच्चों को नहाने मत दे, जो यहाँ झरने हैं वहाँ पर भी ना जाएं, क्योंकि खतरे से खाली नहीं हो सकता है। आए घूमें टहलें लुत्फ लें, लेकिन इस जो डर ये जो झरना है इस झरने में और या डैम में नहाने की कोशिश ना करें, अन्यथा इस डैम में जो है अब तक कई लोगों ने अपनी जान गंवा चुकी है। कैमरामैन सलमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।